इस वीडियो पे जो पहले 10 कमेंट आएंगे उनको 100-100 रुपए का पेटीएम कैश मिलेगा। संदीप शर्मा राइडू को काफी फंसाते हैं, 37 बॉल्स में 3 बार विकेट ले चुके हैं राइडू की, और राइडू सिर्फ 40 रन बना पाए हैं संदीप शर्मा के सामने। यानी कि उथप्पा अच्छा खेलेंगे संदीप शर्मा को, राइडू थोड़ा सा इनको डिसएडवांटेज होता है। फ्री में क्या मिलता है? एक्चुअली बहुत कुछ मेरे दोस्त। फैन टू प्ले पे पहले 4 गेम्स खेलो बिल्कुल फ्री। बस फैन टू प्ले ऐप डाउनलोड करो और खेलो आईपीएल 2022 सिर्फ फैन टू प्ले पर। अरे भाई रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? चेन्नई का मुकाबला है पंजाब के साथ। वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप कॉन्टेस्ट क्वेश्चन का वेट कर रहे हैं तो आप बहुत सिंप्लीफाइड वे में मैंने कॉन्टेस्ट क्वेश्चन को रख दिया है। कुछ नहीं करना है इस वीडियो पे, पहले जो 10 कमेंट होंगे उनको 100-100 रुपये पेटीएम कैश मिलेगा। क्योंकि अभी देखिए क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो आंसर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और उसमें फिर मेरे को टाइम नहीं मिल रहा क्वेश्चन आंसर वो सेट करने का और आपको प्राइज देने का। तो अभी देखिए पहले से ही बहुत ज़्यादा ड्यू है प्राइजेस, तो मैं आपको दे दूंगा, बट अब थोड़ा सा सिंप्लीफाइड रखते हैं। इस वीडियो पे जो पहले 10 कमेंट आएंगे उनको 100-100 रुपए का पेटीएम कैश मिलेगा मेरी तरफ से, ठीक है? तो हर बार जब भी वीडियो आता है आपको एक कमेंट तो कर ही देना है जितना जल्दी हो सके वीडियो पे, ठीक है? और वीडियो को पूरा वॉच करना है। अच्छा एक कंडीशन होगी, अगर आपने कमेंट फर्स्ट किया है और अगर आप एलिजिबल हैं प्राइज के लिए तो आप करो क्या, वीडियो को सबसे पहले तो एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो चैनल को, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, और शेयर जरूर करना है, क्योंकि जब भी मैं आपको पेटीएम कैश दूंगा आपसे प्रूफ लूंगा शेयर का। तो शेयर करो, कहीं भी शेयर करो, फेसबुक पे करो, व्हाट्सएप पे करो, या कहीं भी आप शेयर करते हैं उसका स्क्रीनशॉट ले लो शेयर करने के बाद, ताकि आपको 100 रुपए का पेटीएम कैश विदाउट एनी डिसरप्शन मिल जाए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जो 11वां बंदा होगा या 12वां बंदा जिसने कमेंट किया होगा उसको 100 रुपए पेटीएम कैश मिल जाएगा। सीधा सा फंडा है, वीडियो पे कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, बस ये 3-4 चीजें कर दी तो आपको 100 रुपए पेटीएम कैश मिल जाएगा। वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि नेक्स्ट वीडियो आपसे छूट ना जाए, अगर ये वाला छूट गया तो जल्दी से बात करते हैं मैच की, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चेन्नई वर्सेस पंजाब का ये मुकाबला है जो कि बर्बन स्टेडियम मुंबई में खेला जाएगा, जो कि बैटिंग के लिए काफी बढ़िया वेन्यू माना जाता है। इस साल भी जो 2 मैचेस खेले गए 170 और 200 के आसपास की स्कोरिंग हुई थी, आगे मैं आपको वो चीज बताऊंगा। और पेसर्स को थोड़ी सी मदद है, स्पिनर्स को उतनी मदद यहां पे नहीं होती है, तो आगे हम वो चीजें सारी देख लेंगे। सबसे पहले तो प्लेयर बैटल देखते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है किसी भी वीडियो का और हमारे वीडियो का तो स्पेशली, चेन्नई की बैटर्स और पंजाब के बॉलर्स। इसमें आपको देखने को मिलेगा रॉबिन उथप्पा ने संदीप शर्मा की काफी पिटाई करी है, 51 बॉल्स में 69 रन से और सिर्फ एक बार विकेट लिया है। संदीप शर्मा राइडू को काफी फंसाते हैं, 37 बॉल्स में 3 बार विकेट ले चुके हैं राइडू की, और राइडू सिर्फ 40 रन बना पाए हैं संदीप शर्मा के सामने। यानी कि उथप्पा अच्छा खेलेंगे संदीप शर्मा को, राइडू थोड़ा सा इनको डिसएडवांटेज होता है। इसके बाद कगिसुर अबाड ने उथप्पा का एक बार विकेट निकाला है, आर चैन ने रायडू का एक बार विकेट निकाला है, इसके अलावा आर चैन ने धोनी का भी एक बार विकेट निकाला है, ए सिंह ने गायकवाड़ का 2 बार विकेट निकाला है। ध्यान रखिए गायकवाड़ अभी उतने अच्छे फॉर्म में दिख नहीं रहे, हालांकि ऐसा आप बोल नहीं सकते, वो पिछले मैच में रनआउट हुए, उसके पहले एक मैच खराब चला गया, इसका मतलब ये नहीं कि ये फॉर्म में नहीं है। डोमेस्टिक्स में इस प्लेयर ने बहुत रिकॉर्ड बनाए इस साल, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो इनको जरूर ध्यान में रखिएगा। बट एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि ए सिंह जो है ये 2 बार विकेट ले चुके हैं गायकवाड़ का। इसके बाद संदीप शर्मा जडेजा का 1 बार विकेट ले चुके हैं और ओडन स्मिथ ब्रावो का 2 बार विकेट ले चुके हैं, ज्यादा रन भी नहीं खाने दिए। ये कुछ प्लेयर जिनका आपको प्लेयर बैटल देख लेना चाहिए। इसके बाद आगे हम चलते हैं पंजाब के बैटर्स और चेन्नई के बॉलर्स के बीच में, देख लेते हैं प्लेयर बैटल क्या है। दीपक चहर अभी देखिए इंजर्ड ही है तो ये नहीं खेलेंगे, बट इनका अगर आप प्लेयर बैटल देखें शिखर धवन से तो कोई खास नहीं है। यहां पे आपको ब्रावो वर्सेस धवन भी कोई खास प्लेयर बैटल नहीं देखने को मिलेगा। जॉर्डन दीपक चहर का लिविंगस्टन अग्रवाल के खिलाफ रिकॉर्ड देख सकते हैं, ब्रावो ने अग्रवाल की 1 बार विकेट ली है और मिलने ने हॉवेल की 1 बार विकेट लिया है। तो यहां पे चेन्नई के कुछ बॉलर्स हैं जिनका आपको देखना चाहिए स्टैट, जैसे कि यहां पे जॉर्डन लिविंगस्टन, हालांकि लिविंगस्टन के भी आज खेलने के चांसेस बहुत कम है, जॉर्डन के थोड़े आने के चांसेस रहेंगे। तो ये वाला प्लेयर बैटल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये वाला है, तो इसको जरूर ध्यान से देख लीजिए, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं फैंटेसी टिप्स की। तो देखिए ये सीजन में कुछ प्लेयर्स ने, जैसे कि अभी 2 मैचेस हो चुके दोनों टीमों के, तो कुछ प्लेयर्स ने 2 मैच खेले, कुछ अभी एक मैच ही खेल पाए, तो उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा। बैटिंग सेक्शन में देखिए सबसे ज्यादा फैंटेसी पॉइंट्स जो मिले हैं, उथप्पा ने 59 पॉइंट्स प्रति मैच दिए हैं, ठीक है, 2 मैच में, और अंबति रायडू ने 38 पॉइंट्स प्रति मैच दिए, धवन ने 41 पॉइंट्स प्रति मैच और अग्रवाल ने 26 पॉइंट्स प्रति मैच दिए। ऑलराउंडर सेक्शन में जडेजा ने 36 पॉइंट्स प्रति मैच दिए फैंटेसी में, और मोइन अली ने 55 पॉइंट प्रति मैच, एक ही मैच खेला, हालांकि प्रोटोरिस ने भी 52 पॉइंट दिए लास्ट मैच में जो 2 विकेट निकाली थी। लिविंगस्टन 29 पॉइंट्स प्रति मैच
ओडेनिस में 36 पॉइंट प्रति मैच। इसके बाद देखिए बॉलिंग और विकेट कीपिंग सेक्शन में रबाडा ने एक ही मैच खेला 68 पॉइंट बनाए और ब्रावो ने दो मैच खेले 62 पॉइंट प्रति मैच परफॉर्मेंस दी। आर चहर ने 60 पॉइंट प्रति मैच परफॉर्मेंस दी, देश पांडे ने 19 पॉइंट प्रति मैच। और यहाँ पे देश पांडे एक भी बार ड्रीम टीम का हिस्सा नहीं रहे। विकेट कीपिंग सेक्शन में धोनी राजपक्षा दोनों ने अच्छा किया। धोनी 56.5 पॉइंट प्रति मैच देते हैं और राजपक्षा तकरीबन 57 पॉइंट प्रति मैच देते हैं। धोनी 50% टीम का हिस्सा है, राजपक्षा 100% है। जो 100% ड्रीम टीम का हिस्सा है यानी कि जब दोनों टीमें आपस में खेलती हैं 11-11 प्लेयर की, तो टॉप 11 में वो प्लेयर रहता है तभी उसको बोलते हैं ड्रीम टीम में सिलेक्शन। 100% यानी कि दोनों मैचेस में ड्रीम टीम में था। और जैसे आप ये देख रहे हैं अग्रवाल दो मैचेस खेले बट एक ही बार ड्रीम टीम में रहे, इसलिए 50%। लास्ट मैच आपको पता है अग्रवाल खराब हो गया था। आगे बात करते हैं वेन्यू स्टैट्स की, तो इंटरनेशनल लेवल पे इस वेन्यू पे एक ही मैच खेला गया बट डोमेस्टिक लेवल पे काफी मैचेस खेले गए और उसके हिसाब से अगर आप देखें तो एवरेज स्कोरिंग 190 के आसपास बनती है। और जो चीज हमने देखी भी आखिरी दो मैचेस में, आपने 200 का स्कोर भी देखा, 170 प्लस भी देखा, तो 190 की रेंज मान लीजिए एवरेज स्कोरिंग, ठीक है। इसके अलावा मैक्सिमम स्कोरिंग 170 से ऊपर ही देखी गई, 169 के नीचे कोई स्कोरिंग हुई नहीं है। तो ये वेन्यू बैटिंग के लिए बहुत अच्छा है, 170 से 200 की रेंज में ही स्कोर यहाँ पे बनते हैं। इसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं, आगे आपको मिलेगा इस वेन्यू पे टॉप 5 हाईएस्ट स्कोर और टॉप 5 चेजेस। अब चेजेस के मामले में देखिए ये चेजेस है कुछ 2022 में हुए और ये टॉप स्कोर भी जो है वो 2022 में बना, यानी कि वेन्यू बहुत अच्छा है बैटिंग के लिए इस साल। लास्ट मैचेस की बात करें इस वेन्यू पे, तो ये दो आखिरी मैचेस खेले गए, 177 की स्कोरिंग मुंबई ने यहां पे करी थी जिसको चेस कर लिया था दिल्ली कैपिटल्स ने। उसके बाद देखिए चेन्नई सुपर किंग्स ने 210 बनाया, उसको भी चेस कर लिया लखनऊ सुपर जायंट्स ने। आप एक चीज नोटिस कर रहे होगे कि 2022 में दोनों मैचेस हाई स्कोरिंग थे और दोनों मैचेस चेस भी हो गए, तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है कि दोनों मैचेस चेस हुए हैं, यानी जो भी टीम का कैप्टन टॉस विन करेगा वो फील्डिंग ही लेगा, ठीक है, इनके हिसाब से देखें तो। और ये चीज ट्रेंड में भी है और ड्यू फैक्टर भी होता है। तो यहां पे देखिए सेकंड बैटिंग करने वाले बैटर्स आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनकी विकेटें भी कम गिर रही हैं, वो आराम से स्कोर्स को चेज भी कर जा रहे हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं और बात करते हैं रीसेंट टीम फॉर्म की। रीसेंट टीम फॉर्म में आप देखिए दोनों टीमों ने दो दो मैचेस खेले, सीएसके जो है वो दोनों मैचेस अपने हारी है और पंजाब अपने एक मैच जीती एक मैच हारी है। हेड टू हेड स्टैट्स की बात करें तो देखिए 26 मैच आपस में इन दोनों टीमों ने खेले, 16 चेन्नई जीती, 10 पंजाब जीती। बैटिंग फर्स्ट करते हुए चेन्नई ज्यादा मैचेस जीती है और बैटिंग सेकंड करते हुए भी चेन्नई ज्यादा मैचेस जीती है। आखिरी 5 मुकाबले जो इन दोनों टीमों के बीच में हुए उसमें 3 मैचेस चेन्नई और 2 मैचेस पंजाब के रहे। अब रीसेंट फॉर्म भी देख लीजिए इन टीमों का क्या चल रहा है, आखिरी 5-5 मैचेस में कैसा कर रखा है, लूज है विन है सब लिखा हुआ है। साथ ही साथ इन टीमों ने अपने आखिरी 5 मैचेस किन टीमों के खिलाफ खेले, कितना स्कोर करा, बैटिंग फर्स्ट करी कि सेकंड करी, जीते हारे, वो सब यहां पे मेंशनड है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, आपके काम ही आएगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं और बात करते हैं आखिरी 5 हेड टू हेड मुकाबले की, यानी कि जब ये टीमें आमने सामने आती हैं तब इनके स्कोर्स क्या होते हैं। 2021 में देखिए इन दोनों टीमों ने आपस में 2 मैचेस खेले थे, जो दोनों मैचेस में देखिए एक पंजाब जीती थी और एक सीएसके जीती थी, स्कोरिंग दोनों में लो हुई थी। उसके पहले 2020 में खेले थे, उसमें भी एक दोनों ही मैचेस सीएसके जीती थी और फिर 2019 में भी एक पंजाब जीती थी। तो मोस्टली जो जीती है वो चेन्नई जीती है और इन दोनों टीमों के बीच में स्कोरिंग ज्यादा हैवी नहीं हुई है 2020 के बाद। देखिए 20 में स्कोरिंग कम, 21 में दोनों मैच में स्कोरिंग कम। इसके बाद देखिए टीम हिस्ट्री की बात करते हैं दोनों टीमों की। अगर हम बात करें तो सक्सेस रेट चेन्नई का देखिए 60% का रहता है, 187 मैचेस आईपीएल में खेल के 112 मैचेस जीते, और पंजाब का बहुत कम रहता है, 200 मैच खेल के 92 विनिंग्स है और 45% विनिंग रेट बनता है इनका। तो यहां पे 15% विनिंग रेट जो है वो चेन्नई का ज्यादा है पंजाब के मुकाबले, तो वैसे भी ओवरऑल चेन्नई ज्यादा स्ट्रांग टीम नजर आ रही है। इसके बाद पंजाब किंग्स की प्लेइंग 11 की बात करते हैं, तो यहां पे आपको ओपनिंग पेयर देखेगा शिखर धवन का जॉनी बेयरस्टो के साथ, फिर नंबर 3 पे अग्रवाल है, नंबर 4 पे भानु का है, फिर आते हैं राजबावा, शाहरुख खान, ओडिन स्मिथ, राहुल चेर और कागिसो रबाडा। ये इनकी प्लेइंग 11 होगी इसी बैटिंग ऑर्डर में, जिसमें आप देखिए 32 का एवरेज बनता है धवन का और 31 का बनता है बेयरस्टो का। देखिए बेयरस्टो के इस मैच में खेलने के चांस होंगे, लिविंगस्टन इस मैच में नहीं खेल पाएंगे क्योंकि उतना ओवरसीज का उनको रेशो बना के रखना है। लिविंगस्टन इतने अच्छे फॉर्म में भी नहीं लग रहे। भानु का राजपक्षा को मैं सोच रहा था कि बाहर करूं बट भानु का यार 2 मैच से अच्छा परफॉर्म कर रहे, तो कोई इनको तुक नहीं बनता इनको बाहर बिठाने का। तो देखिए जॉनी बेयरस्टो क्योंकि क्वारंटाइन में थे तो अभी खेल नहीं पा रहे थे, अब उनका क्वारंटाइन पीरियड खत्म हो गया, तो बेयरस्टो इस मैच में मोस्ट प्रोबेबली खेलेंगे तो एज एन ओपनर खेलना चाहिए क्योंकि एज एन ओपनर ही बहुत अच्छा करते हैं, पावर प्लेस में भी काफी बढ़िया करते हैं। 31 का एवरेज है, हालांकि रीसेंट फॉर्म इनका उतना अच्छा नहीं चल रहा T20s में, बट अपोजिशन टीम के खिलाफ रिकॉर्ड भी उतना अच्छा नहीं है, बट वही है कि ये प्लेयर बहुत शानदार है और देखो क्या करता है फर्स्ट मैच में। शिखर धवन का रीसेंट फॉर्म ठीक चल रहा है और अपोजिशन टीम के खिलाफ रिकॉर्ड भी अच्छा है, इनको आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंस ज्यादा दीजिएगा, बेयरस्टो एक ट्रम्प कार्ड की तरह रहेंगे। फिर आते मयंक अग्रवाल, रीसेंट फॉर्म देखिए इनकी तो लगभग हर दूसरे मैच में 25-30 के बीच की स्कोरिंग कर रहे हैं और हेड टू हेड उतना अच्छा इनका नहीं है। भानुकर राजपक्षा
लास्ट दो मैचेस से 30-30 प्लस की स्कोरिंग कर रहे हैं और इस टीम से अगर आप देखें तो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिए दोनों मैचेस में। और इसके अलावा इन्होंने सीएसके को कभी फेस नहीं करा, ये भी इंपॉर्टेंट है। हालांकि देखिए अब विकेट कीपिंग कौन करता है, बेरेस्टो आएंगे तो बेरेस्टो भी कर सकते हैं या फिर भानुका राजपक्ष कंटिन्यू कर सकते हैं विकेट कीपिंग को। आगे हम चलते हैं, बात करते हैं नंबर 5 के बैट्समैन राजबाबा, कोई खास प्लेयर नहीं है, छोड़ सकते हैं। फिर शाहरुख खान, इनसे भी ज्यादा कोई खास उम्मीद नहीं है। यहाँ पे मिड ऑर्डर काफी जो है थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि पंजाब का उत्तर स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा। ओडिन स्मिथ, ये थोड़ा सा बैटिंग में अच्छा हेल्प कर देते हैं, प्लस बॉलिंग करते हैं 2-3 ओवर के आसपास। हालांकि पिछले मैच में काफी रन इन्होंने खाए थे, आई थिंक मैच भी इन्होंने हरा दिया था पूरा। तो ओडिन स्मिथ कभी भी बैटिंग बॉलिंग से परफॉर्म कर सकते हैं। फिर आते आर चहर, इस टीम के सबसे क्वालिटी स्पिनर है, और कगिस रबाड़ इस टीम के सबसे क्वालिटी पेसर है। देखिए इस टीम के पास ये दो प्लेयर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बॉलिंग सेक्शन से, दोनों ही प्लेयर आपकी टीम में होने चाहिए क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी फील्ड में बहुत अच्छा करते हैं। ठीक है, हेड टू हेड स्टैट हालांकि दोनों के खराब है, बट फिर भी इन दोनों प्लेयर से अच्छा खासा एक्सपेक्टेशन मैं इस मैच में करूंगा। आगे हम बात करते हैं बाकी प्लेयर्स की, जिसमें आपको अर्शदीप सिंह और संदीप शर्मा मिलेंगे। दोनों ही कोई खास प्लेयर्स नहीं है, संदीप शर्मा का रीसेंट फॉर्म खराब चल रहा है, हेड टू हेड भी अच्छा नहीं है, अर्शदीप सिंह का भी कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी। ठीक है, अब देखिए डेथ बॉलिंग इनकी टीम से कौन करेगा। डेथ में एक तो कगिस रबाड़ा हो गए, अब कगिस रबाड़ा के साथ ये क्या कर सकते हैं, किसको डेथ में बॉलिंग करवा सकते हैं। इनके पास ऑप्शन में संदीप शर्मा भी है, अर्शदीप सिंह भी है। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी डेथ में गेंदबाजी कर सकता है, कगिस रबाड़ा फिक्स है। ठीक है, ये तो करेंगे ही, अब उनके साथ कौन आता है वो डिपेंड करता है जैसी कंडीशन होंगी। इसके बाद बेंच में प्लेयर्स देख लीजिए, ये कुछ बेंच में प्लेयर्स अवेलेबल है, अगर इनमें से कोई प्लेयर खेल जाता है तो स्टैट देख के उसको टीम में आप अपनी ले सकते हैं। आगे भी आप देख सकते हैं काफी बड़ी बेंच स्ट्रेंथ है इस टीम की, ऋषि धवन एक काफी बढ़िया प्लेयर है, ईशान पोरेल है, इसके बाद बेनी होवेल है, इसके अलावा भी बाकी प्लेयर्स को आप देख सकते हैं। ठीक है, फटाफट इसको स्किप कर देता हूं, जिन जिन प्लेयर्स को आपको वॉच करना है देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। आगे हम बात कर लेते हैं चेन्नई की प्लेइंग 11 की, क्या होगी चेन्नई की प्लेइंग 11। तो देखिए रॉबिन उथप्पा एज यूजुअल ओपन करेंगे ऋतुराज गायकवाड़ के साथ, उथप्पा काफी बढ़िया फॉर्म में लग रहा है, 28 का एवरेज तो है ही इनका। रीसेंट फॉर्म अगर आप देखें इनका T20s में पिछले एक साल में तो बहुत सुधरा है। आखिरी 7 मुकाबलों में देखिए इन्होंने 5 मैच में स्कोरिंग जो है वो 28 या उससे ज्यादा करी है, तो इस टाइम पे रॉबिन उथप्पा काफी इंपॉर्टेंट है। हालांकि थोड़ा सा स्पिन के खिलाफ ये फंसते हैं, तो अपोजिशन टीम राहुल चहर को इनके खिलाफ लगा सकती है शुरुआत में, इस चीज का ध्यान रखेंगे। हेड टू हेड इनका उतना अच्छा नहीं है। फिर आते ऋतुराज गायकवाड़, ये आपके लिए ट्रंप कार्ड पिक होंगे क्योंकि पिछले दोनों मैचेस से कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है, बट डोमेस्टिक में ये बहुत ही हैवी अच्छा परफॉर्म करके आए। देखिए पास्ट में स्कोर्स भी इनके 80-40 के आसपास है, तो ये प्लेयर कभी भी आपको ग्रैंड लीग जितवा सकते हैं क्योंकि लोगों की जो नजर इनसे हट गई है, बट टैलेंटेड प्लेयर है। हेड टू हेड देखेंगे तो 3 मैच में एक बार चला है। मोइन अली की बात करते हैं, कुछ ओवर स्पिन बॉलिंग कर सकते हैं, राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर है, 25 का एवरेज कैरी करते हैं, बैटिंग बहुत सॉलिड करते हैं। आखिरी 3 T20 मुकाबलों से 30-30 प्लस की स्कोरिंग करी है, और अगर आप पिछले 6 मैचेस देखें तो उसमें एक मैच में ही आप कह सकते हैं कि फ्लॉप रहे, बाकी के 5 मैच में ये हिट ही रहे हैं। हेड टू हेड उतना अच्छा नहीं है, बॉलिंग थोड़ी बहुत करेंगी तो विकेट मिलने की चांसेस होगी। हेड टू हेड हमेशा अच्छा रहा इनका अपोजिशन टीम के खिलाफ, 3 मैच में एक बार बॉलिंग नहीं करी, 2 बार बॉलिंग करी तो विकेट मिली है। इसके बाद हम बात करते हैं शिवम दुबे की, रीसेंट फॉर्म देखें तो दुबे बैटिंग में काफी बढ़िया कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है एक आध मैच में परफॉर्म किया, अगर आप इनके पिछले 5-6 मैच उठाएंगे तो मोस्ट ऑफ द मैचेस में 20 प्लस की स्कोरिंग ये बैटिंग से करके दे रहे हैं। हेड टू हेड में भी आखिरी 3 मैच में 2 बार 20 प्लस स्कोरिंग करी है, बट बॉलिंग जो है वो एक आध दो ओवर ही इनको मिलेगी, ज्यादा नहीं मिलेगी, तो इनसे बॉलिंग से एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, कभी भी आपको ग्रैंड लीग जितवा सकते हैं। फिर आते हैं अंबति रायडू, हालांकि इनका स्टैट जो है संदीप शर्मा के सामने थोड़ा सा खराब चल रहा है, तो उसके हिसाब से इनको आपको नहीं लेना चाहिए। देख सकते हैं आखिरी 3 मैचेस में स्कोरिंग अच्छी नहीं है अपोजिशन टीम के खिलाफ, और रीसेंट फॉर्म भी कोई बहुत सॉलिड नहीं लग रहा है। फिर आते हैं रविंद्र जडेजा, थोड़ा सा डाउन बैट करने आ रहे हैं, थोड़ी सी बैटिंग अपॉर्चुनिटी कम है, बट अगर आप लॉन्ग टर्म में इनके स्कोर्स देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द स्कोर्स इनके 20 से ऊपर आपको मिलेंगे। किसी भी दिन ये विनिंग पारी खेल सकते हैं बैटिंग से, साथ ही साथ 3-4 ओवर बॉलिंग भी कर सकते हैं, सो उसमें भी आपको पॉइंट दे सकते हैं। आपको टीम में तो इनको लेना है, कप्तान वाइस कप्तान ग्रैंड लीग वगैरह में ज्यादा बेटर होंगे। फिर आते हैं एमएस धोनी, काफी डाउन विकेट कीपर यानी विकेट कीपर बैट्समैन है, बट काफी डाउन बैटिंग करने आते, तो आप बैटिंग से हर बार इनसे उतना एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। टॉप ऑर्डर कभी कभी 3-4 विकेट एक साथ गिरते, तब जाके एमएस धोनी को चांस मिलता है बैटिंग करने का। ये 50 भी उन्होंने तब बनाया था जब इनके शुरुआत के काफी विकेट जल्दी गिर गए थे। ठीक है, तो अगर जल्दी विकेट गिरेंगे तो एमएस धोनी का चांस रहेगा, वरना नहीं रहेगा, ये आपको सिर्फ विकेट कीपिंग से ही पॉइंट दे पाएंगे। इसके बाद आगे हम बात कर लेते हैं बाकी प्लेयर्स की, जिसमें आपको मिलेंगे ड्वेन प्रोटोरियस, ड्वेन ब्रावो, मुकेश चौधरी और तुषार देशपांडे, जिसमें ड्वेन ब्रावो और ड्वेन प्रोटोरियस को डेथ में गेंदबाजी करनी चाहिए। दोनों ही प्लेयर काफी बढ़िया फॉर्म में, खास करके प्रोटोरियस T20s में इस टाइम पे बहुत अच्छा कर रहे हैं, और ब्रावो भी। ठीक है, इसके बाद मुकेश चौधरी, तुषार देशपांडे से उतना एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, दोनों प्लेयर्स कुछ खास नहीं है, सिर्फ ये दो प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है जो बैटिंग बैकअप भी टीम को दे सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बेंच स्ट्रेंथ की, तो उनके पास क्रिस जॉर्डन है, अगर टीम क्रिस जॉर्डन को खिलाना चाहे तो खिला सकती है, और अब ये अवेलेबल भी है। ठीक है, फिर आते हैं इनके पास राजवर्धन हंगारकर, जिनको टीम चाहे तो खिला सकती है, महेश दीक्षाना इनके पास है, चांसेस यहाँ पे क्रिस जॉर्डन के ठीक ठाक होंगे अगर टीम खिलाना चाहे तो। यहाँ पे मुकेश चौधरी की जगह पे ये एक पेसर ज्यादा बेटर होगा।
इसके बाद हरी निशांत है और जगदीशा ने, बाकी भी आप देख लीजिए बेंच स्ट्रेंथ है ये इनकी, यानी बेंच में जो प्लेयर्स हैं जो प्लेइंग 11 में लाए जा सकते हैं वो ये हैं। तो इनके स्टैट देख लीजिए, अगर आपको कोई लगता है कोई प्लेयर अच्छा है और अगर वो खेल जाता है तो उसको स्टैट बेस पे पिक कर सकते हैं। आगे आप देख सकते हैं डेथ ओवर्स, चेन्नई की तरफ से डी ब्रावो डी प्रोटोरियस, इनको डेथ में गेंदबाजी करनी चाहिए, बाकी प्लेयर्स इतने टैलेंटेड है नहीं। पंजाब की तरफ से कगिश्वर अबाड़ा प्रॉपर डेथ में गेंदबाजी करेंगे, इनका साथ संदीप शर्मा दे सकते हैं, अर्शदीप सिंह से भी बॉलिंग डेथ में कराई जा सकती है रबाडा के साथ, ये भी पॉसिबिलिटी है। अब बात करते हैं फैन टू प्ले की टीम की, और फैन टू प्ले पे अगर आपने लीडर बोर्ड अभी तक नहीं खेलना शुरू करा तो कर दीजिए, क्योंकि लीडर बोर्ड की प्राइजेस बहुत अच्छे हैं। नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री जो शुरुआती टॉप थ्री प्लेयर्स होंगे जो लीडर बोर्ड में टॉप पे होंगे उनको तो देखिए फाइनल देखने का मौका मिलेगा T20 वर्ल्ड कप का, जिसमें आपको स्टेडियम पर टिकट्स मिल जाएंगी फ्री में, फ्लाइट का खर्चा फ्री है और होटल भी फ्री है, सब कुछ फ्री है, आपको कुछ नहीं करना है। ये कॉन्टेस्ट में आपको टॉप थ्री में आना है और बस आपकी सारी जो बुकिंग है वो सब हो जाएगी, ठीक है। 4-5 से लेके 600 रैंक तक प्राइजेस है, यानी कैश प्राइजेस भी आपको मिलेंगे। अगर आप अच्छे लीडर बोर्ड में अच्छे रैंक पे आते हैं तो ये कैश प्राइजेस भी आपके हो सकते हैं, ठीक है। फैन टू प्ले पे अगर आपने साइन अप नहीं करा, रेफर कोड FX लगा के साइन अप कर लीजिए, ताकि आपको बोनस मिले, फ्री एंट्रीज मिले और ऐसे गिव अवेज वगैरह, लीडर बोर्ड गिव अवेज वगैरह मिलते रहे। तो ये है मेरी टीम जो मैंने इस मैच में बनाई है, इसमें थोड़ा बहुत अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। मैंने अपनी टीम जॉनी बैरिस्टो को ले लिया है, मैंने रॉबिन उथप्पा, गायकवाड़ और शिखर धवन को लिया है। आप चाहें तो रॉबिन उथप्पा या गायकवाड़ की जगह पे मयंक अग्रवाल को भी ट्राई कर सकते हैं। फिर ऑलराउंडर सेक्शन में ड्वेन प्रोटोरिया, सोडिन स्मिथ, रविंद्र जडेजा, मोइन अली को लिया है, और बॉलिंग सेक्शन में कागिसुर अबाड़ा, राहुल चेयर और ड्वेन ब्रावो को लिया है। कप्तानी की ऑप्शन मैंने दी है मोइन अली को, जो पिछले 3 मैचेस से 30-30 प्लस की स्कोरिंग कर रहे हैं, प्लस कभी भी 2-3 ओवर बॉलिंग करके विकेट भी ले सकते हैं। तो ये मेरे हिसाब से काफी सेफ ऑप्शन होंगे कप्तानी के। वाइस कप्तानी मैंने शिखर धवन को दिए, जो थोड़े से अच्छे फॉर्म में लग रहे और काफी एक्सपीरियंस प्लेयर भी है। आप चाहे तो वाइस कप्तानी अपने हिसाब से रविंद्र जडेजा या फिर डेथ बोलर्स कगिसुर अबाड़ा और डी ब्रावो को भी दे सकते हैं, ये भी वाइस कप्तानी के बहुत अच्छे ऑप्शंस हो सकते हैं, ठीक है। वाइस कप्तानी अपनी खुद की रखिएगा, कप्तानी तो लगभग फिक्स है मोइन अली, वाइस कप्तानी में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं, और शिखर धवन के अलावा रविंद्र जडेजा, कगिसुर अबाड़ा और डी ब्रावो में थोड़ा सा कंफ्यूज हूं वाइस कैप्टनसी देने के लिए। और जो लोग ग्रैंड लीग खेल रहे हैं, गायकवाड़ को कैप्टन बनाइए, ब्रेस्टरो को कैप्टन बनाइए, ये प्लेयर्स आपको ग्रैंड लीग जिता सकते हैं, क्योंकि गायकवाड़ पिछले 2 मैचेस से नहीं चल रहे, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो परफॉर्म नहीं कर सकते, डोमेस्टिक में बहुत अच्छा करके आए, ठीक है। तो ये मेरी टीम थी, अगर इसमें कोई अपडेट होगा तो टेलीग्राम पे आपको बता दूंगा, जिन लोगों ने हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं करा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, किस चीज का वेट कर रहे हैं जाइए, कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर लिंक भी दिया हुआ है, लिंक के थ्रू ज्वाइन कीजिए। क्योंकि लगभग हमारे चैनल पे जो है टेलीग्राम के 55,000 के आसपास सब्सक्राइबर हैं, बाकी जितने आपको चैनल देखेंगे वो फेक रहेंगे, तो हमारे नाम से फेक चैनल भी बने हुए, इसलिए मैं आपसे यही बोलूंगा कि कमेंट में जो लिंक दिया हुआ है सबसे ऊपर, उस लिंक पे क्लिक करके ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कॉन्टेस्ट जरूर खेलिएगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना मोटिवेशन बनाए रखिए।